आज मैं बना रही हूँ मसाले वाला लच्छा पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाना बहुत ही आसान और बहुत सिंपल है। इसके साथ चटनी, रायता, दही की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे अकेले ही ऐसे ही खा जाओगे। ये देखिए तो बहुत ही खस्ता बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है। आटे में मैंने 1 चम्मच नमक डाला था और 2 चम्मच घी डाला था, और घी डालने से क्या होता है, आटा बहुत ही खस्ता पराठा बनने का हमारा। तो इसको मैंने एकदम सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार किया है, जैसे हम नॉर्मल पूरी पराठा या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है, और इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और इसके लिए हम बहुत ही स्पेशल मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच डालेंगे नमक एक कटोरी में, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, एकदम चटपटा और बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले, जो इसमें अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाला है, तो वो हमारे पराठे का स्वाद डबल कर देगा। तो मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। और अब हम इस मसाले को मिक्स करने के बाद साइड में रख लेंगे, और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। और आटा भी हमारा 5 मिनट हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। तो इसकी हम लोई तोड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ी बड़ी लोई लेनी है हमें, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ी लोई लेनी है। और अब हम इसको बेल लेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। इसको हम चकले पे या किचन काउंटर पे रख के इस तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बेलेंगे और थोड़ा सा पतला बेलेंगे। ये देखिए मैंने ये पूरा पराठा बेल के तैयार कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा रखा है, और इसमें अब मैं ऊपर से तेल लगा दूंगी। तो आप इसमें घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तेल लगाने से पराठा हमारा एकदम लच्छे अलग अलग हो जाएंगे उसके, और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो इसमें मैंने तेल लगा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था बहुत ही बढ़िया, उसको हम इस तरह से पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और अब इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। सूखा आटा डालने से क्या होता है, हमारे जो पराठे के लच्छे हैं वो चिपकते नहीं हैं। अब हम इसको इस तरह से पतला पतला स्लाइस की तरह काट के अलग कर लेंगे पराठे को। काटने से इसकी जो लेयर है वो बहुत सारी लेयर बन जाएंगी पराठे की, तो वो बहुत सारी लेयरों वाला पराठा हमारा बन के तैयार होगा। आटा गूंथते वक्त तो इसमें 2 चम्मच घी जरूर डालें, उससे क्या होता है आटा हमारा बिल्कुल तो सॉफ्ट होता है, और दोबारा हमारे जो दूसरी बार वो पराठे बनाएंगे हम इसको बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने लेयर काट लिए हैं, और इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं अब इस तरीके से। ये देखिए धीरे धीरे से इनको हमें उठाना है, और सारे लेयर्स को एक के ऊपर एक रखते जाना है। मैंने ये सारे लेयर इकट्ठे कर ली हैं, ये देखिए। और अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, और इसकी फिर से हम एक गोल लोई बना के तैयार करेंगे। तो इसे हल्के हल्के हाथों से फिर से हमें गोल शेप देना है, और ये साइड में से इसको चिपका के इसे पीछे लगा देना है, और इसे हल्का सा प्रेस करके ऊपर से, और इसको हम फिर से बेलेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया लगा देते हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और सूखा आटा डाल के हम इसको फिर से बेल लेते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, इसे बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए हमने पराठा बेल के तैयार कर लिया है, तो जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम उतना ही मोटा हमने बना के रखा है। और इधर मेरा तवा गर्म हो गया है, तो हम इसको तवे पे डाल देते हैं, और अच्छे से हम इसको पकने देंगे। हम इसके ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल लगा देते हैं, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा देंगे, और इसे हम उलट पुलट के बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी और पकने तक का सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से हम घी लगाएंगे इसके ऊपर। आप बटर, घी, ऑयल जो पसंद करते हैं आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए तो इसमें बटर में सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका, और घी में भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए अगर आप घी बटर नहीं खाते हैं तो आप इसे नॉर्मल इसी तरह से रोटी की तरह भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमने इसमें जो मसाला डाला है उससे भी ये बहुत ही बढ़िया रोटी बन के तैयार हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छा सा कलर आने लग गया है इसमें, तो इसे हम हल्का सा दबाते हुए
अच्छे से सेक लेंगे। इसकी लेयर देखेंगे आपको बिल्कुल अलग अलग लेयर दिखने लग जाएंगी, और ये जैसे जैसे हल्का सा ठंडा होगा तो बहुत सारी लेयर्स की खुल जाएंगी। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ। तो फिर उसी प्रोसेस से हम दूसरा पराठा बनाएंगे, देखिए, और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बनते ही इसमें एकदम लेयर दिखने लग गई हैं सारे पराठे में, और ये देख सकते हैं आप कितने इसके लेयर से अलग अलग दिखने लगी हैं आपको। और खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम मसालेदार और फ्लेवरफुल, जो मसाले डाले हैं बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है उसका, और बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं ये। और ये देख सकते हैं आप ये कितनी इसकी लेयर दिखी हैं, और इसको हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसके बिल्कुल सारी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी, ये देखिए। और इतना क्रिस्पी है कि ये इसके टुकड़े छोटे छोटे चूर हो जा रहे हैं, चूर हो जा रहा है। और ये देखें, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने इसके साथ बनाई है आलू और बीन्स की सब्जी बनाई है, और दही है, और पराठे के ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, और बटर के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। दही में हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम ऊपर से लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। तो ये दिखने में अच्छा दिखता है और दही का स्वाद भी बढ़ा देता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।